नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 पर और आपके साथ में प्रदीप। दिखाते हैं आपको देर शाम की ताजा खबरें। झालावाड़ निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क जयपुर के आदेश अनुसार शुक्रवार को सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुश्री अनुप्रिया ने सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क झालावाड़ का पदभार ग्रहण किया। गौरतलब है कि सुश्री अनुप्रिया इससे पूर्व उद्योग विभाग बीट जयपुर मुख्यालय में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। पिड़ाओं में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में 8 मई से 13 मई तक होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जयपुर से सभी प्रतिमाएं शुक्रवार को पिड़ावा अन्नपूर्णा पैलेस पहुंची। समाज प्रवक्ता मुकेश जैन चलावत ने बताया कि अन्नपूर्णा पैलेस से गाजे बाजे के साथ भक्ति करते हुए नव युवक मंडल विधि नायक भगवान की प्रतिमा व अन्य भगवान की प्रतिमाएं सिर पर उठाकर चल रहे थे। प्रतिमाओं को कुबेर इंद्र दिनेश सेक्रेटरी व इंद्राणी मीना जैन, कोमल चंद जैन आदि शावक शाविकाएं ने नवीन जिनालय खांडपुरा लाकर विराजमान किया। शोभा यात्रा में पंच कल्याणक समिति अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जैन, पार्षद प्रमोद जैन, भारत भूषण प्रेमी मनोज जैन, कपिल जैन, संजय प्रेमी सचिन जैन, पारस डेनी, गुड्डा जैन, कमलेश जैन, नेमीचंद जैन, सचिन जैन, कमल चंद जैन, सेनी जैन आदि कमेटी के सदस्य व जैन समाज के श्रावक श्रविकाएं मंगल गीत गाते चल रहे थे। इन प्रतिमाओं को विधि विधान से रविवार को पंच कल्याणक स्थान मल्हार बाग नयापुरा ले जाया जाएगा। मनोर थाना पंचायत समिति समरोल ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान। वार्ड पंच द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। कार्यवाहक उपखंड अधिकारी धनराज मीणा ने बताया कि समरोल ग्राम पंचायत के वार्ड पंच द्वारा लाए गए सरपंच धापू भाई लोधा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए शुक्रवार को ग्राम पंचायत में मतदान किया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 वोट पड़े व बाकी 3 सदस्य मतदान करने नहीं पहुंचे। ज्ञात हो कि समरोल ग्राम पंचायत में सरपंच सहित कुल 12 सदस्य, इस पर आगे की कार्रवाई के लिए जिला परिषद को भेजा गया। इस मौके पर वार्ड पंच धन्नालाल, गिरराज, रंगलाल, राम कल्याणक, बबलू, चंदाबाई, संजू भाई, भूरी भाई, संजू भाई सहित पुलिस उप अधीक्षक कैलाश चंजाट, जावर थानाधिकारी अजय शर्मा मई जाप्ता मौजूद रहा। रामगंज मंडी की बेटी गौरांशी शर्मा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने पर प्रशासन की ओर से सम्मान समारोह रखा जाएगा। संभाग की आयुक्त दीपक नंदी व जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा के निर्देश पर उप जिला अधिकारी राजेश डागा ने शुक्रवार को नगर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की। इस बैठक में शहर के जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, मीडिया कर्मी शामिल हुए। SDM राजेश डागा ने कहा कि रामगंज मंडी की बेटी ने पूरे विश्व में हमारे शहर का नाम रोशन किया, इसलिए हमें ऐतिहासिक सम्मान समारोह आयोजित करना है। संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह बैठक आयोजित की गई। SDM ने यह कहा कि गौरांशी शर्मा के सम्मान में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग उपस्थित होने की उम्मीद है। शहर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए जाएंगे और गौरांशी को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन की यह पहल अनुकरणीय है। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी, पालिका उपाध्यक्ष रमेश मीणा गुड्डू, अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण राठौर, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और व्यापार संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मूक बधिर ओलंपियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त करके रामगंज मंडी क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। आज रामगंज मंडी की जनता गौरवान्वित महसूस कर रही है। राज्य सरकार और भारत सरकार की मंशा के अनुरूप और श्रीमान संभाग आयुक्त महोदय और कलेक्टर साहब के निर्देशों के अनुरूप आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें रामगंज मंडी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिस दिन गौरांशी या रामगंज मंडी आए उस दिन भव्य रूप से उसका स्वागत किया जाए और वो स्वागत, वो ऐतिहासिक पल उसको चिरस्मरणीय बना दे, इस प्रकार के स्वागत की तैयारियां करने के लिए आज। मंदसौर के PHE विभाग में पदस्थ बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू विभाग से सेवानिवृत्त फरियादी के पेंशन प्रकरण बनाने के एवज में 1,00,000 रुपए की मांग कर रहा था। इस बात की शिकायत पर शुक्रवार को टीम ने मंदसौर पहुंच बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। EOW उज्जैन DSC अजय केतवास ने बताया कि PHE विभाग मंदसौर में बाबू सैयद मंजिर रहमान फरियादी प्रेम शंकर प्रधान का पेंशन प्रकरण तैयार करने के एवज में 1,00,000 की मांग कर रहा था। कहीं बार चक्कर लगाने के बाद भी बाबू 1,00,000 की रिश्वत लेने पर अड़ा रहा, तो फरियादी ने इसकी शिकायत
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उज्जैन की थी। ईओडब्ल्यू की टीम ने फरियादी की शिकायत की जांच की। मांगे 1,00,000 देने में सक्षम नहीं हूँ मैं। फिर क्या करा आपने? मन्नत करी, मोह करा, टाइम दिया, कम कर लो। नहीं कि भाई इतना तो ले, 85,000 तो लूँगा। फिर क्या करता, मरता क्या नहीं करता है भाई। जीवन में जिस आदमी ने 40 साल 6 महीने नौकरी करी, किसी से चाय नहीं पी, तो दुख तो होता है ना कि भाई 1,00,000 मेरी कंडीशन ही नहीं थी 1,00,000 की। कितने टाइम से चक्कर दे रहे थे आपको? चक्कर की बात ही ये तो है कि 1,00,000 दो, काम कर देंगे आपका। क्या नाम? कितने समय से परेशान थे आप? 1 महीना हो गया था कि। अच्छा, कौन अधिकारी? हैंड पंप तकनीशियन के पद पर से रिटायर्ड हुए थे। उनके रिटायरमेंट के पश्चात जैसी भी शासन की नीति रहती है, शीघ्र उनका भुगतान कर दिया जाए, जो भी उनके पेंडिंग रहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधान जी ने कई चक्कर लगाए तो, किंतु उनका पेंशन प्रकरण, उनका लीव सरेंडर और जो भी उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, जो भी भुगतान किया जाता है, वो भुगतान की फाइल जो है सैयद शेख रहमान, जो यहाँ का लेखा का कार्य देखते हैं, उनके पास, हाँ मुजीब रहमान, उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई थी। पेंडिंग से जब उन्होंने कई चक्कर लगाए तो उन्होंने कहा कि भाई 1,00,000 रुपये उसके लगेंगे, तो आपका फाइल मैं आगे बढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊँगा। कई बार चक्कर लगाने के बाद वो परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में उन्होंने राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग उज्जैन के पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप सोनी को एक लिखित में शिकायत की। लिखित में शिकायत करने के बाद इंस्पेक्टर श्री शुक्ला के द्वारा उसका वेरिफिकेशन किया गया, सही पाया गया। जब सूचना सही पाई गई तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारी टीम जो है 2 राजपत्रित अधिकारियों के साथ में यहाँ आई, और जो यहाँ पर लेखा का कार्य करते हैं श्री सैयद मुजीब रहमान के कब्जे से जो हमारे फरियादी थे, उसने जो 20,000 रुपये उन्हें रिश्वत के तौर पर दिए थे, वो बरामद किए गए हैं। उनके हाथ भी केमिकल से धुनाने पे लाल हुए हैं और उनकी पैंट भी की जेब जिसमें पैसे रखे थे वो भी लाल हुई है। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1) और 13(2) के तहत हम पंचीबद्ध प्रकरण कर लिया गया है और अभी फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। और नाहरगढ़ भीषण गर्मी में पक्षी तथा जीव जंतु पानी के लिए तलाश करते, ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि पक्षियों को शीतल जल उपलब्ध कराए ताकि उनकी जीवन की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर संस्था बीआर एजुकेशन सोशल फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा अभियान सेल्फी विद सकोर अभियान सीजन 3 के तहत बेजुबान जानवरों पक्षियों के लिए नाहरगढ़ में सार्वजनिक व प्रशासनिक जगह पर संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्य द्वारा सकोरे जलपात्र लगाए गए। वहीं संस्था द्वारा सामाजिक कार्य में अहम योगदान रहा। कशनारा मगरे पे हमने यहाँ पे लगाए सभी, और नीमच भी लगाए हमने। अभी जब से शुरू करा सभी जगह जा ही रहे हैं हम, बहुत सारे जिलों में लगाए हैं और सभी जगह हमारी टीम काम कर रही है और हमने लगाए। आप लोगों से अपील करोगे? सबसे यही अपील करेंगे कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करो। और जो 3 सालों से चल रहा हो और हमारा उद्देश्य करीबन लगभग हम 11,000 सकोरे मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, प्रतापगढ़ में लगाते हैं, और लगभग अभी तक हमने 9,000 प्लस में हमारे सकोरे चल रहे हैं और 15,000 के लगभग हमारे पास सेल्फी आ चुकी है। सेल्फियाँ हम लोगों से अपील करते हैं कि आप पक्षियों के लिए सेल्फी फोटो ये लगाए, सकोरे लगाए, और साथ में उसकी सेल्फी खींच के संस्था को भेजें। संस्था द्वारा उनको डिजिटल प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया जाता है। तो ये संस्था अभी तक कहाँ कहाँ काम कर रही है? ये संस्था अभी तक मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, प्रतापगढ़, रतलाम और चित्तौड़गढ़ में अभी तक कार्यरत है। संस्था क्या क्या कार्य है? संस्था मेन तो एजुकेशन और सोशल दोनों में 3 सालों से कार्य कर रही है। शिक्षा क्षेत्र में हम निर्धन जो परिवार के छात्र हैं उनको निःशुल्क कोचिंग सुविधा देते हैं। फ्री लाइब्रेरी हमारी संस्था की मंदसौर में, वहाँ से बुक वगैरह हम निःशुल्क देते हैं। साथ ही हम समय समय पर करियर मार्गदर्शन प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं और करियर के लिए उनको मोटिवेट भी करते हैं। साथ ही हम रोजगार से जुड़े हुए आयोजन भी करते हैं जिसमें। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ
शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयां मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।